साथियों नमस्कार। साथियों, ये वीडियो हम आप सबकी राय लेने के लिए डाल रहे हैं और मेरा अनुरोध है कि सभी लोग बड़ा सेंस में रह के, बड़ी सहनशीलता से, बड़ा गंभीरता से इस पे अपने विचार दें और कोशिश करें कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखी जाए। आपकी जैसी राय आएगी वैसा विचार किया जाएगा। मुद्दा ये है कि लंबे टाइम से आंदोलन चल रहा है और बहुत से लोगों की ये बात आती है कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। बहुत से लोगों की इच्छा है कुछ करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो बीच में दो बार सांसद कूच का प्रोग्राम भी रख चुके हैं, एक एक फरवरी का था और दूसरा प्रोग्राम फिर मई के मध्य का रखा था। जो फरवरी का प्रोग्राम था वो तो कैंसिल हो गया था और फिर जो मई का प्रोग्राम करना था वो भी किसी कारणों से फिर कैंसिल हो गया, उस पर फिर दोबारा सहमति नहीं बन पाई थी। तो अब दोबारा से शायद सेशन 19 जुलाई से और शायद 9 तारीख तक ये सेशन चलना है, 9 अगस्त तक, उसके आसपास तक चलना है, जो भी एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो क्या हमें सांसद कूच करना चाहिए? क्या हमें इस तरह का कोई प्रोग्राम देना चाहिए? ये सांसद कूच की बात मैंने अपने 9 मेंबरी कमेटी में रखी थी कि इस सत्र में हमें सांसद कूच कर देना चाहिए, तो उसकी तो अनसुनी सी वो बात कर दी गई। और बात फिर यही आती है कि आंदोलन वायलेट हो जाएगा, आंदोलन उग्र हो जाएगा, इस बात का खतरा है। तो उसमें हमारी राय है कि हम हाथ बांध के, हमारी राय नहीं, एक सबकी वो हो सकती है कि हम हाथ बांध के आगे ऐसे हाथ बांध के रस्सियों से और फिर हम सांसद कूच करें पैदल। उसके लिए हमें वायलेट का भी जो है वो खतरा नहीं रहेगा और हम आंदोलन ठीक से भी कर सकते हैं। तो इस पे अपनी राय दें कि क्या हमें सांसद कूच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई और इससे अच्छा प्रोग्राम जो आपकी समझ में आता हो, क्योंकि हम तो केवल आपके नुमाइंदे हैं। आंदोलन लोगों के लिए है, आंदोलन लोगों ने करना है, इसलिए लोगों की राय लेनी मेरी समझ से ये है कि राय जरूर लेनी चाहिए। जैसी आपकी राय आएगी वैसी सब नेताओं के सामने चली जाएगी, उस पर राय करना आगे नेताओं का काम है, सहमति बनाना आगे नेताओं का काम है, क्योंकि अभी तक हमारी सहमति इसके आगे बढ़ने की नहीं बनी है और लोगों के अंदर कहीं निराशा है, कहीं आशा है, कहीं ये करना चाहिए, कहीं वो करना चाहिए। तो इसलिए आपकी राय लेने के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं और मेरा सबसे अनुरोध है कि सब अपनी अपनी राय जिस तरह से भी हमारे पास भेज सकते हैं उस तरह से हमारे पास भेजें। आप सबकी राय आने के बाद आपके विचार संयुक्त मोर्चे के सामने रख दिए जाएंगे और संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद राय कर ली जाएगी। आप सभी का धन्यवाद।